गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। और आज जो है हम लोग फिर से एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आइए हम लोग बगैर समय को नष्ट किए हुए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज जो आज आपका है वो है द ब्रेन एंड द सेंसेस। आज हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, तो आज हम लोगों को पढ़ना है द ब्रेन एंड द सेंसेस के बारे में पढ़ना है। आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोगों को ये दिखाई भी दे रहा होगा। सबसे पहले मैं कुछ मीनिंग्स जो है अंडरलाइन करता हूँ, उसका मीनिंग बताता हूँ। ब्रेन, ब्रेन को हिंदी में दिमाग कहा जाता है। मैं जो बोलूँगा आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि आज का होमवर्क भी आपको क्या है तो आपको मीनिंग से लिखना है। तो ब्रेन को क्या कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। इसके बाद है वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, है ना। ये वंडरफुल जो है, वंडरफुल का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक। कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक, है ना, गणना करने वाला। गेट्स का मतलब होता है पाना। इंफॉर्मेशन को मतलब होता है सूचना। सेंस ऑर्गेन का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां, है ना। स्टोर का मतलब होता है एकत्रित करना। और मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। तो आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे, आप लोगों को मेरे बातों को सुनने पर ही आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इस दौरान आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहें, साथ में अपने लिए एक नोटबुक लेके बैठें और नोटबुक में वही चीज़ लिखें जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, है ना, ताकि कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, है ना। और आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा यहाँ से अच्छे तरीके से समझाते रहने का। चलिए मैं शुरू करता हूँ लेसन को। लिखा हुआ द ब्रेन इज़ लाइक अ वंडरफुल कंप्यूटर। हमारा जो दिमाग है एक बहुत बड़ा संगणक है, है ना, ऐसा संगणक है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बहुत अच्छा संगणक है ये जो है। आपको अगर आप इसके बारे में ज़्यादा स्टडी कीजिएगा तो आप जान पाइएगा कि ब्रेन जो है हमारे बॉडी को ही कंट्रोल करने का काम करता है। और ब्रेन, एक आदमी का ब्रेन एक कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ होता है, इसको भी आप जान सकते हैं। लिखा हुआ इट गेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। ये अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या ऑर्गन्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एंड स्टोर्ड इट इन आवर मेमोरी। और ये क्या करता है कि हमारे याददाश्त में, हमारे मेमोरी में उसको स्टोर करने का काम करता है। इट ट्रेसेस व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये भी पता लगाता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इट कैन रिट्राइव एनी इन्फॉर्मेशन वी मे नीड एट एनी टाइम। अगर हम कोई चीज़, जैसे किसी ने, मान लीजिए कि आपने कहीं पे 50 रुपये 10 दिन पहले रखा है छिपा के, है ना, और आज आपको उस 50 रुपये की ज़रूरत है, तो यही ब्रेन आपको बताएगा, याद करवाएगा कि आपने उस 50 रुपये को कहाँ रखा है, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये किसी भी इंफॉर्मेशन को तुरंत जब भी आपको ज़रूरत पड़ता है तो यही ब्रेन जो होता है आपको देने का काम करता है। लिखा हुआ व्हाट इज़ मोर इट हेल्प्स अस थिंक फील लर्न एंड टेक डिसीजन, है ना। अगर इसके बारे में हम लोग सामान्य तौर पे कहें तो हम सोच सकते हैं ब्रेन से, महसूस कर सकते हैं, सीख सकते हैं और डिसीजन, निर्णय भी ले सकते हैं। द ब्रेन डज नॉट फंक्शन एलोन। ब्रेन जो होता है अकेले कार्य नहीं करता है, है ना। इट हैज़ एन असिस्टेंट कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड, है ना, एंड द मैसेंजर्स कॉल्ड नर्व्स। इसके पास असिस्टेंट के तौर पे होते कौन हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और मैसेंजर होते हैं। कौन होते हैं, तो वो होते हैं नर्व्स। मतलब नर्व्स का काम होता है ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाना। इसके बाद है द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम, है ना। तो अब देखें कि नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन किसके किसके द्वारा होता है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन तीन ऑर्गन्स की सहायता से हमारा नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव नर्वस सिस्टम बट आवर इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु होते हैं प्लांट को छोड़कर, है ना, जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी के पास होता है क्या है, तो होता है अपना अपना नर्वस सिस्टम, है ना। लेकिन हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत क्या है, जटिल है, है ना। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा हुआ है कि वी हैव द लार्जेस्ट ब्रेन एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नर्व्स। हम लोगों के पास जो होता है सबसे बड़ा दिमाग भी होता है, साथ में हम लोगों के पास नर्व्स का जो संख्या होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। मतलब अन्य जीव जंतुओं के मुकाबले हमारा ब्रेन के पास जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो हमारा ब्रेन सबसे बड़ा होता है और साथ में सबसे ज़्यादा इसके पास क्या होता है, तो होता है नर्व्स होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में, स्टडी करने वाले हैं। चलिए लिखा हुआ है द ब्रेन इज़ अ डेलिकेट ऑर्गन। ये बहुत नाजुक अंग होता है, प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ द स्कल। और हमारे बोन को, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो हमारा स्कल का जो होता है बोन्स वो प्रोटेक्ट करता है। किसको, तो हमारे ब्रेन को करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डेंसली पैक्ड नर्व सेल। ये जो होता है बना हुआ होता है नर्व सेल का और यह बहुत घना होता है, डेंसली पैक्ड होता है। इट हैज़ मेनी पार्ट्स। इसके पास बहुत सारे भाग होते हैं।
द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस इज द सेरेब्रम, है ना। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसको कहा क्या जाता है, तो सेरेब्रम कहा जाता है। द सेरेब्रम हैज़ मेनी फोल्ड्स एंड ग्रुप्स। आप लोगों को पहले मैं सेरेब्रम दिखा देता हूँ तब आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये जो आपका डॉट 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 में यहाँ से लेके यहाँ तक है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रीज़न ये कहलाता क्या है, तो ये कहलाता है सेरेब्रम कहलाता है। आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो चलिए यहीं से हम लोग देख लेते हैं। तो सेरेब्रम के पास बहुत सारा फोल्ड और ग्रूव होता है, आप देख सकते हैं फोल्ड और ग्रूव है बहुत सारा, है ना। लिखा हुआ इट कंट्रोल्स थाउट, ये हमारे विचारों को कंट्रोल करता है, मेमोरी हमारी याददाश्त को कंट्रोल करता है, लर्निंग सीखने की क्षमता को कंट्रोल करता है, एंड द सेंसेस और हमारे क्षमताओं को मतलब सेंस करने का महसूस करने के क्षमताओं को भी कंट्रोल करता है। वन पार्ट्स गेट मैसेजेस फ्रॉम द आई, एक जो होता है सेरेब्रम का जो होता है हिस्सा वो आंखों से मैसेज को गेन करता है। अनदर पार्ट गेट मैसेजेस फ्रॉम द ईयर्स, दूसरा हिस्सा जो होता है कान से मैसेजेस को स्टोर करने के गेन करने का काम करता है। एंड अनदर पार्ट सेंड मैसेजेस टू द मसल्स, और दूसरा हिस्सा जो होता है क्या करता है कि मसल्स को मैसेज देता है, है ना। अनदर पार्ट कंट्रोल आवर थाट्स, कोई और हिस्सा जो होता है वो क्या करता है, तो वो करता है हमारे विचारों को कंट्रोल करता है, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से होता है। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं लिखा हुआ क्या है। आगे लिखा हुआ है इसके बाद कि देन व्हाट डू द अदर पार्ट्स, तो आइए हम लोग जानते हैं कि और व्हाट डू द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू, और तो ब्रेन्स का कौन कौन सा हिस्सा कौन कौन से कामों को करता है हम लोग इसके बारे में अब जानने वाले हैं। लिखा हुआ यू विल लर्न अबाउट दैट लेटर, इसके बारे में आप आगे आगे की क्लासे में पढ़ेंगे या फिर इसी बुक में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा भी बाद में करेंगे। वी विल नाउ डिस्कस द जॉब ऑफ द ब्रेन स्टेम, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट ज्वाइन द स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग क्या करेंगे कि आज ब्रेन स्टेम के बारे में, उसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ में ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि द ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीथिंग हार्टबीट। इनवॉलेंट्री एक्शंस किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। दो प्रकार के एक्शन होते हैं, एक होते हैं वॉलेंट्री एक्शन और एक होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि छींकना, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, सांस लेना कंट्रोल नहीं होता है, हार्ट बीट जिसको दिल की धड़कन कहते हैं, दिल जो होता है धड़कते रहता है, उस पे भी हमारा जो होता है कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्शंस जो होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, जैसे कि हम चाहेंगे खेलना तभी हम खेल पाएंगे, हम चाहेंगे कूदना तभी हम कूद पाएंगे, तो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसको कहा जाता है इनवॉलेंट्री एक्शन, और कुछ ऐसे होते हैं जिस पे कि हमारा कंट्रोल होता है उसको कहा जाता है वॉलेंट्री एक्शन। लिखा हुआ द ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। ब्रेन का स्टेम करता क्या है कि इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे में कौन सा है, तो ब्रीथिंग है सांस लेना, हार्ट बीट दिल का धड़कना। वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस बाय आवर विल और बाय थिंकिंग। इस एक्शन को, इनवॉलेंट्री एक्शन को हम सोच के महसूस करके रोक नहीं सकते हैं। अब लिखा हुआ एक्शंस लाइक राइटिंग रनिंग स्पीकिंग विच वी कैन कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। लिखना, है ना, दौड़ना, खेलना, कूदना, हंसना, खाना, ये सभी एक्शंस जो होते हैं हम लोग अपने ब्रेन के द्वारा कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे एक्शंस को क्या कहते हैं, तो वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। तो आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए अब नब्स के बारे में पढ़ना है तो नब्स के बारे में जान लेते हैं। नब्स के बारे में लिखा हुआ है कि यू कैन कंपेयर नब्स टू वायर। आप नब्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो तारों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आप घर में अपना देखते होंगे कि जिस तरीके से तार आप लोग लगाते हैं, वायरिंग करवाते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जगह जगह नर्व्स का बहुत सारा गुच्छा होता है। लिखा हुआ है कि दे आर फॉर्म्ड बाय मेनी नर्व सेल्स ज्वाइंट टुगेदर। नर्व्स का निर्माण कैसे होता है, तो नर्व्स का निर्माण होता है बहुत सारे नर्व सेल्स के आपस में जुड़ने के कारण। नर्व्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कैसे, तो नर्व्स के आपस में बहुत सारे जुड़ने के कारण। नर्व्स रन थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स जो होता है हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। नर्व्स जो है हमारे पूरे शरीर में क्या है, तो फैला हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है करता ये क्या है, कैरिंग मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये नर्व्स क्या करता है कि मैसेजेस को लेता है और देता किसको है, तो ब्रेन को देने का काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड को देने का काम करता है। लिखा हुआ है द वंस दैट कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी नर्व। वैसा नर्व जो कि मैसेजेस को ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को देने का काम करता है उसको कहा जाता है सेंसरी नर्व। द वंस दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड मोटर नर्व। और वैसा नर्व जो कि ब्रेन से लेके मैसेज या आपका स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके शरीर के किसी और हिस्से को देने का काम करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मोटर नर्व्स कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए लिखा हुआ सपोज समवन
प्लेसेज अ प्लेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स बिफोर यू. आपके सामने कोई क्या करता है कि एक प्लेट में बहुत सारी मिठाइयों को रख देता है. तो योर आइज विल सी द स्वीट्स, आपकी आँख उस मिठाइयों को देखेगा. एंड सेंड अ मैसेजेस टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व. तो आँख क्या करेगा कि उस मिठाइयों को देखेगा और ब्रेन को सेंसरी नर्व के द्वारा एक मैसेज भेजेगा. अब क्या भेजेगा जो देख लेते हैं. योर ब्रेन विल रिमेंबर विच स्वीट यू लाइक द बेस्ट. आपको ब्रेन जो है आपको याद दिलवाएगा कि आपको इनमें से कौन सा मिठाई बहुत अच्छा लगता है. अकॉर्डिंगली इट विल सेंड अ मैसेज टू द मसल्स ऑफ योर आर्म थ्रू मोटर नर्व्स. और इसी दौरान आपका ब्रेन क्या करेगा कि मोटर नर्व्स की सहायता से आपके हैंड के मसल्स को एक भेजेगा इन्फॉर्मेशन. द मसल विल देन कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प यू पिक द राइट स्वीट एंड पुट इट इन योर माउथ. अब क्या करेगा कि मसल आपका जो है रिलैक्स करेगा, है ना, हाथ को आप खोलेंगे और आपको जो सबसे अच्छा मिठाई लगता है आप या फिर स्वीट लगता है, चॉकलेट जो लगता है, उसको आप उठाएंगे और आप अपने मुँह को रखेंगे. कहने का मतलब ये हुआ कि आपका सेंसरी नर्व क्या किया कि ले लिया मैसेज को, और मोटर नर्व क्या किया कि आपके मसल्स के मैसेज को, मसल्स को मैसेज दिया काम करने को. तो कहने का मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट ये हुआ कि सेंसरी नर्व क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन लेता है, और मोटर नर्व क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है. तो इन बातों को आप यहाँ समझ सकते हैं. अब हमको पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में. लिखा हुआ है द स्पाइनल कॉर्ड इज ए बंच ऑफ नर्व्स रनिंग थ्रू द स्पाइन. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो बंच ऑफ नर्व्स मतलब बहुत ज़्यादा गुच्छा जैसा होता है, बहुत ज़्यादा नर्व्स होता है ना. और ये दौड़ चलता कहाँ से है, तो चलता है स्पाइन से, मतलब स्पाइन के थ्रू ये पास आउट होता है. लिखा हुआ इट एक्ट्स एज एन असिस्टेंट टू द ब्रेन. ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये ब्रेन के एक असिस्टेंट के फॉर्म में काम करता है. ओनली सब नर्व्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन. और यहाँ पे कुछ ही नर्व्स जो होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं. द रेस्ट एक्ट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. और बाकी जो कार्य करते हैं वो करते कहाँ से हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड से ही अपने कामों को कर लेते हैं. दैट मीन्स मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी रीच द स्पाइनल कॉर्ड. इसका मतलब ये है कि मैसेजेस जो होते हैं जो कि हमारे बॉडी से, वो चले जाते हैं पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास, विच सेंड देम टू द ब्रेन. और स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है कि उसको ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य होता है. सिमिलरली मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन है ना कम टू द स्पाइनल कॉर्ड विच सेंड देम्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. और इसी प्रकार से होता क्या है कि ब्रेन भी क्या करता है, किसी भी प्रकार के मैसेज को आपको स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो बंच ऑफ नर्व्स होते हैं वो शरीर के सभी हिस्सों तक उन मैसेजेस को पहुंचा देता है. चलिए आगे अब देख लेते हैं आगे क्या है. आगे लिखा हुआ है कि इन सम केसेस है ना द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स ऑन इट्स ओन एज मिनी ब्रेन. कभी कभी क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है खुद किसी किसी खास केस में मिनी ब्रेन का काम करता है, मतलब अपने ही एक्टिव हो जाता है और खुद से इन्फॉर्मेशन ले लेता है और दे भी देता है. लिखा हुआ है कि देयर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू एक्ट फास्ट. जब कभी भी आपको जल्दी से कोई चीज़ करना होता है, फॉर एग्जाम्पल When you need to pull away your hand after touching something hot. जैसे कभी आप देखते होंगे कि जब कभी कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा गर्म छू लेते हैं तो आपका हाथ जल्दी से वहाँ से हट जाता है, मतलब उतने देर में ब्रेन के पास मैसेज जा भी नहीं पाता है. तो इस दौरान होता क्या है कि इन्वॉल्विंग द ब्रेन इन सच केसेज वुड वेस्ट टू मच टाइम. अगर ऐसे केसेज में अगर हम ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग समय को व्यर्थ करेंगे, मतलब उस दौरान तक हमारा हाथ जल चुका होगा. तो लिखा क्या हुआ है कि दैट इज़ वाई द बॉडी फाइंड द शॉर्टकट. तो यहाँ पे करता क्या है कि हमारा बॉडी भी शॉर्टकट खोजता है, हमारा बॉडी भी क्या खोजता है, शॉर्टकट खोजता है, मतलब जल्दी से काम करे. तो सच क्विक रिस्पॉन्सेज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड आर रिफ्लेक्स एक्शन. तो ऐसा जो होता है कार्य कौन कर देता है, जल्दी से आपको जो हॉट का जो सेंसर होता है वो आपको स्पाइनल कॉर्ड ही मैसेज कर देता है, और स्पाइनल कॉर्ड ही आपको हाथ को हटाने के लिए भी मैसेज कर देता है. तो ऐसे एक्शंस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, जो कि फास्ट एक्शंस होते हैं. और जिसको कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना. इसके बाद आपको जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लें. लिखा हुआ है कि द ड्राइंग शोज व्हाट हैपेंस व्हेन यू पिक योर फिंगर, जिसके कारण आप अपने हाथों को तेजी से क्या कर लेते हैं, तो हटा लेते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. तो आप लोगों को के लिए होमवर्क ये है कि अभी जहाँ तक पढ़ाया गया उसमें से 50 मीनिंग्स है ना विथ हिंदी, है ना विथ हिंदी, इसको लिख के आज ही आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेजना होगा, है ना. कितने बजे से कितने बजे तक भेजना होगा, तो ये भेजना होगा आपको 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपको भेजना होगा, जिसमें कि आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग भेजेंगे और बहुत ज़्यादा आप लोग
सीख भी पाएंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ करने के लिए और आगे के क्लासेस में अच्छे समझने के लिए आपको मीनिंग्स लिखना नेसेसरी है। तो आप लोगों को मैंने होमवर्क दे दिया है, आप लोग इसको करके रखेंगे, आप लोग घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और होमवर्क को जल्दी से 4 बजे से लेकर 6 बजे तक भेजने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।